अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि फ़नून लतीफ़ा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फ़नून लतीफ़ा की भारत में कितनी रिवायतें हैं। अजीज़ तलबा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़न के जितने भी तर्ज है, टाइप्स हैं, उनकी हर तर्ज की दो रिवायतें हैं। एक अवामी और दूसरी लतीफ़ यानी क्लासिक। तो अजीज़ तलबा, इसमें हम देखेंगे भारत में फ़नून लतीफ़ की पहली रिवायत अवाम फ़नून लतीफ़ा। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क में, हमारे जो मुल्क है भारत, इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तहजीब के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। तो इन लोगों की जो रिवायतें हैं, इनके तर्ज है, तरीके हैं, सबके अलग अलग हैं। तो अजीज़ तलबा, हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के अवामी गीत, अवामी साज, अवामी रक्स और अवामी नाटक चलते रहते हैं। या आपने देखा होगा ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे कि अलग अलग इलाकों में बहुत मुख्तलिफ अक़साम के जो नाटक होते हैं, नाच होते हैं, गीत होते हैं। इसी तरीके से हमारी रियासत महाराष्ट्र में भी बहुत मुख्तलिफ अक़साम की ये रिवायतें पाई जाती है। अगर हम फ़नून लतीफ़ा के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत सारी रिवायतें हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में आपको पता है बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कोकण का इलाका, विदर्भ का इलाका, मराठवाड़ा। तो हर इलाके की अलग अलग रिवायतें हैं फ़नून लतीफ़ा को लेकर। तो अवामी फ़नून लतीफ़ा होता है या इसके जो तर्ज होते हैं वो मजहबी त्यौहारों और समाज जिंदगी के अटूट हिस्से की हैसियत से वजूद में आते हैं। तो अजीज़ तलबा, जैसे कि ये जो फ़न होते हैं तो इनमें से कुछ फ़नों का इज़हार मजहबी त्यौहारों पर किया जाता है, तो कुछ का इज़हार समाज जिंदगी के कुछ खास मौक़ों पर किया जाता है, त्यौहारों पर किया जाता है, इवेंट्स पर किया जाता है। कोली नाच, तारपा नाच, कोकण में दशावतार, पोहाड़ा, कीर्तन जागर, गोंदल, ये जो है महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मकबूल और फेमस कुछ फन है, ये उनकी मिसालें हैं।